आज का हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम जब वर्डप्रेस में कोई भी पोस्ट को जब अगर हम शेयर करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर जैसा अकाउंट पर जब हम पोस्ट को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर हमारा फीचर्ड इमेज यानी कि थंबनेल नहीं पहुँच पाता है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना वेबसाइट का एक पोस्ट को यहाँ पर शेयर करने जा रहे हैं, शेयर करके दिखा रहे हैं। देखिए, हमने ये पोस्ट यहाँ पर शेयर किया, शेयर करने के बाद यहाँ पर जो दिखाना चाहिए था इसका फीचर्ड इमेज यानी कि इस पोस्ट का जो इमेज होना चाहिए था वो इमेज यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो हमको अब क्या करना है, सो अब देखिए, अब यहाँ पर इसका इमेज लाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हम अपना वर्डप्रेस में जाएंगे और वहाँ पर जाकर प्लगइन्स के अंदर जो एड न्यू है उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमको क्या करना है कि ऑल इन वन SEO इस प्लगइन को सर्च करके हमको उसमें ऐड कर लेना है और ऑल इन वन SEO प्लगइन को इंस्टॉल करके उसे हमें एक्टिव कर देना है। जैसे ही हम उसे एक्टिव कर लेते हैं, वो देखिए हमारा इस साइड में आ चुका है और इसमें बहुत सारा सेटिंग है। उस सेटिंग में हमको सिर्फ सोशल नेटवर्क के अंदर जाना है। जैसे ही हम सोशल नेटवर्क के अंदर जाते हैं तो हमको यहाँ पर सोशल प्रोफाइल, फेसबुक, ट्विटर, पिंट्रेस्ट ये सब का ऑप्शन मिल जाता है। और हम यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करते हैं कि फेसबुक में जाएंगे। फेसबुक ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ऊपर में कुछ करना नहीं है, नीचे क्या लिखा है इधर, डिफ़ॉल्ट पोस्ट इमेज सोर्स। इसमें इमेज सोर्स किधर से लेगा ये डिफ़ॉल्ट वो पूछ रहा है। अब यहाँ पर पहले से ही डिफ़ॉल्ट इमेज सेट बिलो ऑप्शन आ रहा है, तो हमको क्या करना है इसमें से सेलेक्ट कर लेना है फीचर्ड इमेज कह के, यहाँ पर है अंदर में फीचर्ड इमेज, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बीच में हमको इधर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, मगर इसको हमको अभी छेड़छाड़ करना नहीं है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सीधे यहाँ पर सेव चेंजेज है, सेव चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे ट्विटर पर, ट्विटर पर जाने के बाद ट्विटर के अंदर भी सेम वैसा ही मिल जाता है। ट्विटर के अंदर भी हमको सिर्फ वैसा ही करना है जैसे हम लोग ने फेसबुक ऑप्शन में किया था, डिफ़ॉल्ट इमेज को हटाकर फीचर्ड इमेज को सिलेक्शन कर लेना है। और उसके बाद हम फिर नीचे आएंगे, कुछ करना नहीं है। नीचे आने के बाद फिर हमको सेव चेंजेज में क्लिक कर देना है। अब सेव चेंजेज में क्लिक करने के बाद फिर हम अपना वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद हम अपना कोई भी एक ऐसा पोस्ट उठा लेंगे और पोस्ट उठा लेने के बाद यहाँ से हम शेयर करेंगे। जैसे ही हम शेयर बटन दबाते हैं तो हमको अब कहाँ पर शेयर करना है यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि हमको इस पेज में शेयर करना है तो हम इसका अपना एक पेज चूज कर लिए हैं। पेज चूज कर लेने के बाद अब यहाँ नीचे जाएंगे और पोस्ट टू फेसबुक, पोस्ट टू फेसबुक में हमने शेयर कर दिया। अब ये शेयर करने के बाद हम आपको फेसबुक का पेज खोल के दिखा रहे हैं जहाँ पर हमने शेयर किया था। देख लीजिए, हमने जो फेसबुक पर शेयर किया हुआ था वो यहाँ पर आ चुका है और आप साफ देख सकते हैं कि इसमें पिक्चर भी थंबनेल जो है वो भी यहाँ पर फीचर्ड इमेज दिखा रहा है, जो कि इससे पहले का पोस्ट में नहीं दिखा रहा था वो आप देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग आगे भी आपके लिए ऐसा ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।